छिंदवाड़ा के नए पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने पद संभालते ही जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी राय ने अवैध कार्य अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही यातायात व्यवस्था बनाए रखने का भी आश्वासन दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कुशल पुलिसिंग सिस्टम के लिए पहचाने जाने वाले छिंदवाड़ा के नए पुलिस कप्तान मनोज राय मुख्यमंत्री कमलनाथ के पसंदीदा ऑफिसरों में से एक है। यही वजह है कि पद संभालते ही एसपी मनोज राय ने जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। डिप्टी कमांडेंट एर्थ बटालियन में 4 महीने 2008 में था, तो मेरी छिंदवाड़ा में पहले की जो पदस्थापना थी वो यहाँ पे रही है। जब मैं रहा था और अब जब आया हूँ तो बहुत अंतर मुझे दिख रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मिल के अच्छे सकारात्मक अंतर और आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी का स्वागत है और पुलिसिंग होगी, आप लोगों का सकारात्मक सहयोग हमारा भी आपको मिलेगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जो पुलिस की सकारात्मक चीज़ों हैं तो हमारे साथ मिल के उसको बताएंगे और निश्चित रूप से कानून व्यवस्था जो है बनाए रखना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। और कहने की ज़रूरत नहीं है, छिंदवाड़ा पे सबकी नज़रें हैं, तो छिंदवाड़ा का जो पुलिस का मॉडल होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना अच्छा और इतना सशक्त किया जाए कि इसको पूरे प्रदेश में एक अच्छे पुलिसिंग के रूप में लोग याद करें। और बैठक में जिले की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अवैध गतिविधियों को रोकने, जुआ और सट्टा पर नकेल कसने और यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से एसपी मनोज राय ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि छिंदवाड़ा में अच्छी पुलिसिंग का उदाहरण पेश किया जाए। आज मैंने चार्ज लिया है, आज मैंने मीटिंग भी रखी है सभी अधिकारियों की। मीटिंग के बाद मैं पूरे जिले की स्थिति समझूंगा और ये सुनिश्चित करेंगे कि छिंदवाड़ा में अच्छी पुलिसिंग का उदाहरण पूरे प्रदेश में दिया जाए। कुल मिलाकर सीएम कमलनाथ के फैसले पर खरा उतरने के लिए छिंदवाड़ा के नए पुलिस कप्तान जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, छिंदवाड़ा।